नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका एडिक्वेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल में। भारत में कहा गया है कि अगर जन्म और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से बाहर आके मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो काशी आके गंगा स्नान जरूर करें। इस वीडियो के द्वारा आप वाराणसी के प्राचीन और समृद्ध संस्कृति के बारे में जानें। अगर आप ट्रेन से बनारस आ रहे हैं तो वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए बुकिंग्स करवा सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। बनारस टूर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा और ऑटो आपको आसानी से मिल जाएगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 रुपये में शेयरिंग ऑटो लेके आप गदौलिया चौक, जो कि बनारस का मेन मार्केट है, पहुँच सकते हैं। 5000 साल से भी अधिक पुराना शहर काशी, जिसको अब बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, अपने आध्यात्मिक और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव और पार्वती का निवास, वाराणसी की उत्पत्ति अभी तक अज्ञात है। हमारा पहला स्टॉप है खिड़किया घाट, जिसको अब नमो घाट भी कहते हैं। 8 किलोमीटर लंबा नमो घाट, जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है। यहाँ टूरिस्ट के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और पास में ही आपको कैफेटेरिया मिलेगा जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉप असी घाट है, जो नमो घाट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ई रिक्शा या ऑटो लेके 30 से 50 रुपये में असी घाट पहुँच सकते हैं। असी घाट सुबह की गंगा आरती के लिए फेमस है। अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचना होगा। चलिए अब हम सिंधिया घाट की तरफ चलते हैं। यह भी असी घाट की तरह बनारस के सबसे पुराने घाटों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से यहाँ भगवान अग्नि का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप प्रसिद्ध रत्नेश्वर मंदिर देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस घाट का भार अधिक होने के कारण आधा मंदिर लगभग 150 सालों से गंगा नदी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यह मंदिर फ्यूचर में पूरी तरह डूब जाएगा। बनारस में कुल 84 घाट हैं, और सिंधिया घाट से बाकी सारे प्रसिद्ध घाट आप पैदल ही घूम सकते हैं। हरिश्चंद्र घाट बनारस के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। इस घाट पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स आपको दशाश्वमेध घाट पर मिलेंगे। यहाँ की शाम की गंगा आरती देखने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। यहाँ पे आरती शाम को 6:30 बजे शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि दशाश्वमेध घाट पर ही भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के वापस काशी आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान दिया था, और इसलिए यह घाट दशाश्वमेध के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोकल से बात करके आप इस घाट के बारे में अलग अलग कहानियां जान सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर दशाश्वमेध घाट से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। बनारस आने वाला हर व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर आता है।
आप यहाँ आके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता है। अगर आप पैदल घाटों की यात्रा नहीं कर सकते तो बोट या क्रूज बुक कर सकते हैं। क्रूज की टिकट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तू नहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे। और ये रही शाम की गंगा आरती, जिसका हम सबको इंतजार था।
दूसरे दिन का सफर श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में भगवान राम की पूजा से शुरू हुआ। यहीं पे संस्कृत के कवि वाल्मीकि ने प्रसिद्ध रामायण को संस्कृत में लिखा था, जिसको बाद में 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधि बोली में लिखा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रामनगर किला। यह भव्य किला गंगा के तट पर बसा हुआ है और इसमें एक म्यूजियम है जहां आपको पुराने कार्स, पुरानी बंदूकें और तलवारों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहां पे आके आप इस किले की भव्यता देख सकते हैं। हमारा अगला स्टॉप होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये इंडिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर, म्यूजियम्स और एक बड़ा गार्डन देखने को मिलेगा। इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम BHU में लेक्चरर रह चुके हैं। मौर्यन एम्पायर के राजा अशोका ने 500 ईस्वी में धमेक स्तूपा का निर्माण किया था। इसमें गौतम बुद्ध से जुड़ी निशानियां रखी गई हैं। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। उन्होंने पहली बार अष्टांग मार्ग के बारे में बताया था, जिस पे चलकर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसी के साथ हमारी 2 दिन की बनारस यात्रा समाप्त होती है। अगर आप भी हमारे तरह घूमना पसंद करते हैं तो हमारे एडिक्वेट ट्रैवल ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।